यहाँ से हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है डिफाइन कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस। पिछले लास्ट वीडियो में कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी, अगर वो क्लियर हो जाएंगी तो फिर थ्योरम्स प्रूव करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट कब कहलाएगा कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस? यदि उस टोपोलॉजिकल स्पेस का प्रत्येक ओपन कवर का क्या मिल जाए? फाइनाइट सब कवर। और ये तो लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मैथमेटिकली नीचे लिखा हुआ है, दैट इज करके ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच ओपन कवर। ये वाला कलेक्शन इसका ओपन कवर, यदि कैपिटल एक्स का प्रत्येक ओपन कवर, कोई भी ओपन कवर लें, तो इस ओपन कवर की एक फाइनाइट सब फैमिली एग्जिस्ट कर जाए, वो फाइनाइट सब फैमिली भी एक्स को कवर करे। तो देर एग्जिस्ट ए फाइनाइट सब फैमिली विच ऑल्सो कवर्स एक्स। तो जब भी कॉम्पैक्ट प्रूव करना हो तो हमें हर ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हर ओपन कवर का तो फाइनाइट सब कवर नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए ओपन कवर तो इनफाइनाइट हो सकती हैं। तो हर ओपन कवर का तो तुम फाइनाइट सब कवर फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो मैंने पहले भी वर्ड बताया था कि जिस भी नोटेशन के साथ ईच एवरी वर्ड आए तो वहां आर्बिट्रेरी मानेंगे, तो आर्बिट्रेरी ओपन कवर मानेंगे, और इस आर्बिट्रेरी ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर फाइंड आउट करेंगे जब भी कॉम्पैक्ट प्रूव करना हो। अगर कहीं को टोपोलॉजिकल स्पेस कॉम्पैक्ट स्पेस है तो फिर बाद वाली कंडीशन होल्ड हो जाएगी, प्रत्येक ओपन कवर का क्या मिलेगा? फाइनाइट सब कवर मिलेगा। जब भी हमारे पास कोई ओपन कवर हुई एक्स की, तो फिर एक फाइनाइट सब कवर मिल जाएगा जो एक्स को कवर करेगा। और कहीं प्रूव करना हो कॉम्पैक्ट, तो आर्बिट्रेरी ओपन कवर लेके चलेंगे और उसकी फाइनाइट सब कवर फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली डेफिनेशन सबसेट के लिए है। कॉम्पैक्ट सबसेट क्या होता है? कोई भी सबसेट ई टोपोलॉजिकल स्पेस का कॉम्पैक्ट कहलाएगा यदि इस ई की प्रत्येक ओपन कवर का क्या मिल जाए? फाइनाइट सब कवर। सेम टू सेम वही लिखा हुआ है। सबसेट के लिए जो नोटेशन होता है वो कंटेंट का होता है। अब ये तो होगी कॉम्पैक्ट के लिए। अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस या सबसेट कॉम्पैक्ट नहीं है तो फिर इस डेफिनेशन का नगेशन कर देंगे। ईच ओपन कवर का क्या हो जाएगा? देर एग्जिस्ट एन ओपन कवर, और देर एग्जिस्ट का क्या नगेशन क्या हो जाएगा? फॉर ऑल। तो जब अब कोई सेट या स्पेस कॉम्पैक्ट नहीं है तो हम एक ऐसी ओपन कवर दिखा देंगे जिसका फाइनाइट सब कवर नहीं मिल रहा है। अब कुछ कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस के एग्जांपल्स हैं, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। प्रूव दैट एवरी इंडिस्क्रीट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। तो हमने कोई भी इंडिस्क्रीट एक्स, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो सकता है, सेट ऑफ इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, एनी सेट हो सकता है, फाइनाइट सेट। तो इस फाइनाइट कोई भी नॉन एम्प्टी सेट पे हमने टोपोलॉजी, इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी डिफाइन कर दी। तो इंडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस ले लिया, अगर ये इंडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है तो टी इसके ऊपर इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी। तो इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी की डेफिनेशन ये है कि उसके अंदर दो ही सेट होते हैं, स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी होती है एम्पिटी और यूनिवर्सल सेट। अब हमें इस इंडिस्क्रीट स्पेस एक्स को कॉम्पैक्ट प्रूव करना है। तो कॉम्पैक्ट कब होगा? जब इसकी प्रत्येक ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर मिल जाए। तो प्रत्येक ओपन कवर का तो फाइनाइट सब कवर नहीं दिखा सकते, कोई भी एक आर्बिट्रेरी एनी मान लेंगे, एनी आर्बिट्रेरी वर्ड लिख देना, बी एनी ओपन कवर ऑफ एक्स। जो ओपन कवर होती है उसके अंदर टी के मेंबर्स होते हैं, तो इसके अंदर टी के अंदर तो सिर्फ दो ही मेंबर हैं, तो इस कलेक्शन के अंदर या तो वो दोनों मेंबर आ रहे होंगे या फिर कैपिटल एक्स आ रहा होगा। तो ये ओपन कवर हो गई एक्स का, क्योंकि इसका यूनियन लेंगे एक्स का एक्स के साथ, तो एक्स मिल जाएगा। इन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो एक्स मिल जाएगा, तो ये इस कलेक्शन इस एक्स का ओपन कवर हो गया। अब इसके एक फाइनाइट सब कवर मिले, तो अगर ये ओपन कवर है तो इसका फाइनाइट सब कवर ये खुद ही ले लेंगे,
अगर ये है तो इसकी फाइनाइट सबको और इसमें से एक सिंगलटन सेट एक्स कैपिटल एक्स उठा के बना देंगे तो ये फाइनाइट सब कवर हो जाएगी जो एक्स को कवर कर लेगी, तो ये एक्स क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट स्पेस बन जाएगा। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें प्रूव करके दिखाना है कि प्रत्येक फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस कॉम्पैक्ट होता है। तो हमने कोई भी एक फाइनाइट सेट ले लिया और उस फाइनाइट सेट के ऊपर हमने कोई टोपोलॉजी डिफाइन कर दी, तो ये फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस हो गया। अब इसको कॉम्पैक्ट प्रूव करना है फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस को, तो कॉम्पैक्ट तब होगा जब इसकी प्रत्येक ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर मिल जाए। ओपन कवर का मीनिंग समझ गए कि एक ऐसा कलेक्शन जिसके मेंबर्स का यूनियन एक्स के बराबर होगा, और फाइनाइट सब कवर का मीनिंग यह है उस ओपन कवर में से कुछ फाइनाइट मेंबर्स उठा के एक नई कलेक्शन बना दें फाइनाइट मेंबर्स की, और वो फाइनाइट मेंबर्स की कलेक्शन भी का यूनियन भी एक्स के बराबर हो जाए। तो कोई भी एक आर्बिट्रेरी ओपन कवर ले ली हमने एक्स की, अब ये मैंने पहले बताया था फॉर ईच पॉइंट, इसके हर पॉइंट के लिए इस ओपन कवर के अंदर एक सेट जरूर प्रेजेंट होगा जो उस पॉइंट को कंटेन कर रहा होगा। पहले बता दिया ये बात, अगर मान लो कैपिटल एक्स स्पेस के एक्स एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग इसमें एक भी ऐसा ओपन सेट नहीं है जो एक्स पॉइंट को कंटेन कर रहा हो, तो फिर ये बताओ इस कलेक्शन के मेंबर्स के यूनियन में कभी एक्स आएगा, क्योंकि इस कलेक्शन का एक भी मेंबर एक्स पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा, तो फिर इस कलेक्शन के यूनियंस की मेंबर्स में कभी भी एक्स एलिमेंट नहीं आएगा, तो फिर एक्स उस कलेक्शन के बराबर नहीं होगा यूनियन के बराबर, क्योंकि एक्स कैपिटल एक्स स्पेस में तो एक्स एलिमेंट है और इसके मेंबर्स की यूनियन में एक्स नहीं होगा। तो ये हमेशा अगर कोई कलेक्शन ओपन कवर है किसी सेट या स्पेस की, तो उस सेट या स्पेस के हर पॉइंट के कोरस्पोंडिंग उस ओपन कवर में एक ओपन सेट जरूर मिलेगा जो उस पॉइंट को कंटेन करेगा। तो मैंने मान लिया कि इस ओपन कवर के अंदर वो सेट जी एक्स है जो एक्स पॉइंट को कंटेन कर रहा है। अब ये कैपिटल एक्स सेट फाइनाइट है, तो इसके हर पॉइंट को कंटेन करने वाला यहाँ फाइनाइट सेट्स आ जाएंगे, क्योंकि एक्स की पॉसिबिलिटी फाइनाइट है, यहाँ से फाइनाइट ही एलिमेंट्स ले सकते हैं क्योंकि इस सेट के पास फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो इसके हर पॉइंट को कंटेन करने वाला यहाँ एक सेट मिल जाएगा। तो ये इसकी एक फाइनाइट सब कवर मिल गई जो एक्स को कवर करेगी, क्योंकि एक्स के पास मान लीजिए कि 100 पॉइंट है, तो पहले पॉइंट को कंटेन करने वाला एक्स वन पॉइंट को कंटेन करने वाला यहाँ कौन सा सेट आ जाएगा, जी एक्स वन, इसके एक्स टू पॉइंट को कंटेन करने वाला जी एक्स टू, तो इन सब की यूनियंस में वो 100 पॉइंट्स आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। तो दिस इंप्लाइज ये फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस क्या हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया।